हाय गुड मॉर्निंग गाइस, आज हम आए हैं बनारस में सारनाथ मॉन्यूमेंट में आए। सारनाथ स्मारक का ये एंट्री गेट है, यहाँ से आपको एंट्री मिलेगी। आपको एंट्री के लिए टिकट लेना पड़ेगा, टिकट ऑनलाइन से अवेलेबल है। तो फिलहाल सारनाथ मॉन्यूमेंट का अंदर आ गए। ये है सारनाथ मॉन्यूमेंट है और ये बौद्ध धर्म का एक पवित्र क्षेत्र है बोला जाता है, माना जाता है। ये बुद्ध धर्म का चार पवित्र क्षेत्र में एक है, ये बनारस में है, ये सारनाथ मॉन्यूमेंट है। इसका अंदर म्यूजियम भी है, म्यूजियम में अंदर अलाउड नहीं है फोटोग्राफी का। यहाँ काफ़ी सारे पर्यटक लोग देश विदेश से आते हैं, चीन, नेपाल, भूटान, जापान, काफ़ी सारे देशों से आते हैं। दोस्तों ये है अशोक स्तंभ, 270 ईसवी पूर्व का स्तंभ है। ये अभी टूटा हुआ है, इसको म्यूजियम में ऐसे रखा हुआ है। बोधगया में बुद्ध ने ज्ञान प्राप्ति के पश्चात उन्होंने अपने प्रथम 5 शिष्यों को यहीं पर पहला धर्मोपदेश भी दिए थे, यही जगह पर। और यहीं पर स्वयं भगवान बुद्ध ने प्रथम बुद्ध संघ का स्थापन भी किए थे। यही एक निकटतम महादेव का मंदिर है सारंगनाथ, यही नाम से जाना जाता है सारनाथ, सारनाथ मॉन्यूमेंट। ये सब 200 साल पुराना बुद्ध मंदिर का अवशेष है, यहाँ पड़ा है। पूरा पिल्लर है, नीचे से खुदाई करके निकला था ये भारत सरकार ने। यहाँ आप सामने देख रहे ये क्या है, छोटा सा प्राणी संग्रहालय है। इसमें आपको काफी सारे हिरण देखने को मिलेगा। आप सामने देख रहे हैं ये है सारनाथ स्तूप, ये काफी पुराना स्तूप है, करीब 500 AD पुराना है। इसका हाइट है करीब 43 मीटर है। दोस्तों सामने दिख रहा है आपको ये है सारनाथ बुद्धिस्ट टेम्पल है, काफी खूबसूरत टेम्पल और काफी बड़ा टेम्पल है। ये मंदिर को 1931 में स्थापन किया गया थे।
सामने आप देख रहे पीपल का पेड़, इसके नीचे बुद्ध को ज्ञान मिला हुआ, ये ओरिजिनल वही पेड़ है, वही जगह है, बुद्ध को ज्ञान मिला हुआ जगह है। बुद्ध भगवान ने अपना पहला 5 शिष्यों को यहीं पर धर्मोपदेश दिए थे। दोस्तों ये था सारनाथ मॉन्यूमेंट और सारनाथ मंदिर का खूबसूरत नजारा। आज के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। और दोस्तों वीडियो को प्लीज लाइक करो, शेयर करो और चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करो। थैंक यू सो मच।